हाय फ्रेंड्स, कोरोना को हराने के लिए दो हथियार हमारे पास जो अहम है उसको मत भूलना। एक है मास्क, हर वक्त मास्क यूज़ करके चलना, और आप वैक्सीनेशन ज़रूर करना। चाहे आप पहला वैक्सीन ले चुके हो तब भी मास्क यूज़ करना, चाहे आप दूसरा डबल डोज कंप्लीट किया हो तब भी ये मास्क यूज़ करने को मत भूलना, ठीक है? तो दोस्त, आप देख रहे हो टीम जे टेक्निकल और मैं आपका टेक्निकल दोस्त जॉयदीप आज आ गया हूँ और एक बार केओसेरा टैक्सल्फा रिलेटेड एक टेक्निकल वीडियो लेके, और बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण वीडियो है। मैंने जितने वीडियो आपको दिखाया 50 से 55 प्लस मेरा वीडियो है, ज़रूर आप देखना मेरा टेक्निकल दोस्त प्लेलिस्ट पे जाके। वो वहाँ पे आप सब भी टेक्निकल वीडियो केओसेरा रिलेटेड पाओगे, ये सब आपका काम का होगा और आपका भी फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। और मैं फिर से आ गया हूँ और एक बेस्ट टेक्निकल वीडियो आपको दिखाने के लिए। मेरा कोशिश हर वक्त रहता है आपको बेस्ट देने के लिए। आज का जो वीडियो है वो है सबसे काम का, कोई भी प्रिंटर और जेरोक्स मशीन का जो मेन चीज़ है वो है कॉपी क्लीन रखने के लिए ड्रम यूनिट, ठीक है? आप कैसे आपका ड्रम यूनिट को क्लीन रखोगे, यही आज का वीडियो है। या तो बहुत सारा ड्रम यूनिट के वीडियो आप पाते रहोगे इन फ्यूचर, लेकिन आज का वीडियो बहुत काम का है। आप कोई भी पार्ट को स्किप मत करते हुए मेरा ये वीडियो पूरा देखना और सीखना, ठीक है? ठीक से अच्छी तरह से देखना, ये टेक्निकल ये सेटिंग्स वाला वीडियो है। आप ठीक से देख के तब भी खुद ट्राई करना, वरना आप गलत हो जाएगा सेटिंग्स, ठीक है? एकदम इजी मेरा जो वीडियो रहता है वो कोई भी जो पहले नए मशीन को यूज़ कर रहा है वो भी ठीक कर सकोगे, और जिन्होंने एक्सपर्ट हो गया हो 3 साल 2 साल या 4 साल ये मशीन यूज़ कर रहे हो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ज़रूर देखो, ठीक से सीखो। हर कोई, मेरा जो दावा था, मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था, हर कोई आदमी को मैं टेक्निकल सर्विसमैन बना के छोड़ूंगा, ठीक है? तो आप बहुत सारा मेरा वीडियो देख के बहुत ही अच्छा फीडबैक आप दे रहे हो, सीख रहे हो, और आपका जो थैंक्स शुक्रिया मिल रहा है बहुत ही मोटिवेट का वीडियो है। चलो चलते हैं मेन वीडियो में। मैं आ गया हूँ मशीन पे। सबसे पहले ड्रम यूनिट खोलने के लिए हमें जो करना पड़ेगा, फ्रंट डोर को खोलना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ये वेस्ट टूनर बॉक्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है? अब साइड का जो पार्ट है वो खोलना पड़ेगा, ठीक है? और ये जो जीप है, इस जीप को सामने निकलना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखो, मैं जो दिखा रहा हूँ हर कोई इस मशीन को खोल सकेगा, यूनिट को निकल सकेगा। जो एक्सपर्ट है वो भी निकल सकेगा, जो पहले दिख रहा हो वो भी कर सकेगी। तो मैं इस स्क्रू को खोलूँगा, हो गया है। देखो ये ड्रम यूनिट मैं खोल लिया है। अब हमें ये ड्रम कैसे, ये ड्रम यूनिट को मैं क्लीन करूँगा, ये आपको ठीक से देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। ये है मेरा ड्रम यूनिट। पहले क्या करना पड़ेगा, इस चार्जिंग रोलर को जो रबर का होता है इसको खोलना पड़ेगा। बहुत ही ईजी, ठीक से देखो, इस पार्ट को थोड़ा सा प्रेशर देना और ये खुल जाएगा, ठीक है? बहुत ही ईजी। आप पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कोई भी कॉटन के कपड़े लेके क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको खोलना पड़ेगा, तो बहुत ही ईजी, एक हाथ से दिखा रहा हूँ, खुल गया है। ठीक है, इसको पहले क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है?
ठीक से, ये जो सरफेस होता है इसको क्लीन करना, ये जो सरफेस होता है इसको क्लीन करना, और उसके बाद इस पार्ट को क्लीन करना, ठीक है। ये आप एक कोई भी कॉटन का कपड़ा लेके उसको भिगो के वाटर से भी क्लीन कर सकते हो, या ड्राई पे भी क्लीन कर सकते हो, ठीक है। मैं ड्राई पे ही क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया है। अच्छी तरह से इसका जो स्टील का जो एंड होता है उसको अच्छी तरह से क्लीन करना, कोई भी इंक ना रहे तो चार्ज ड्रम चार्ज छोड़ सकता है, ठीक है। तो हो गया है, आप इसको होने के बाद मैं इसको सेट करूँगा, हो गया है सेट, ठीक है। मैं इसको साइड में रख रहा हूँ, और आप जो मेन ड्रम यूनिट है इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इस ड्रम यूनिट को खोलना पड़ेगा, ठीक है। मेरा ड्रम लगभग 82,000 कॉपी दे चुका है, लेकिन मैं अभी इसे चेंज नहीं करूँगा। मेरे कॉपी में कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, और थोड़ा सा वक्त इसको दूंगा, कॉपी ख़राब आए तो तभी मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है। कोई भी अच्छा ड्रम आपको 1 लाख के ऊपर भी कॉपी दे सकता है, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्लिप, ये लॉक, ये इस ड्रम लॉक होता है, इसको पहले खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके खोलो, हो गया है, ये है क्लिप, ठीक है। इसका जो प्रोसीड्योर है लगाना, खोलना तो मैं दिखा दिया, लगाना भी मैं आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। तो ये क्लिप हो गया है, खुल गया है। अब इस पार्ट को ठीक से देखना, इस जो रॉड है ये इस ड्रम लिमिट को यहाँ पे सेट करता है, ठीक है। इसको यहाँ भी एक लॉक है, देखो यहाँ भी एक लॉक है, अब ध्यान रखना ये लॉक ना खुले, ठीक है। अब इसको आप ऐसे घुमा घुमा के खुलना, ठीक है। मैं एक हाथ से दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, खुल गया है। यहाँ पे एक स्प्रिंग आएगा, ध्यान से, ठीक है, देखो ठीक से देखो, यहाँ पे भी एक लॉक होता है इस रॉड का, ये इसको इस पार्ट को यहाँ से निकलने नहीं देता है, ठीक है। इस सफ़ेद जो पार्ट होता है इसको निकलने नहीं देता है, इसको लॉक करके रखता है, ये ठीक से देखना, ठीक है। और जो मैंने बोला था, ये स्प्रिंग इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो मेरा ये ड्रम है, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करो, ये खुल गया, ठीक है। आप ये ध्यान देना, इस जो ड्रम है इस ड्रम यूनिट के अंदर आपका जो उंगली का निशान जितना भी कम पड़े, मत पड़े तो अच्छा होता है, ठीक है। अब इसको आप इससे इस ड्रम यूनिट को कोई भी कॉटन का कपड़ा लेके, ठीक है, जैसे मैं वो चार्जिंग ड्रम चार्जिंग रोलर को क्लीन किया वैसे ही आप क्लीन कर सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो, केरोसिन ऑयल लेके कोई भी कॉटन कपड़ा भिगो के इस ड्रम को क्लीन कर सकते हो, ठीक है। पुराना हो जाए तो ऐसे भी क्लीन कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं कॉटन का कपड़ा लेके क्लीन कर दूंगा, ठीक है। तो चलो ये मैं बाद में दिखाऊंगा, आप क्लीन कर लेना, ठीक है। अब देखो ये रहता, ये है हमारा डीसी प्लेट, इसका काम क्या है, ये हर कॉपी के बाद इस ड्रम में जो इंक रहता है, कॉपी देने के बाद जो इंक रहता है, और इस इंक को हर कॉपी के बाद ये रोल होके इसको क्लीन करता है, ठीक है। बहुत ही अहम पार्ट होता है ड्रम को अच्छे रखने के, कॉपी अच्छा है, ये ड्रम, ये डीसी प्लेट ख़राब हो जाएगा तो ये ड्रम में इंक रह जाएगा और वो निशान हमें कॉपी में दे सकता है, ठीक है। तो हर कोई, आपको डीसी प्लेट ख़राब हो गया है, आपको सर्विसमैन, जो अच्छा सर्विसमैन नहीं होगा, आपको बोल देगा जो ड्रम यूनिट ड्रम को चेंज करो, ठीक है। लेकिन
ये डीसी ब्लेड ही आपका ड्राम का कॉपी क्लीन करने का अहम भूमिका लेता है। ठीक है, तो पहले चलो इसको खोलते हैं। चलो, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन आप कोई भी पार्ट को स्किप मत करना। ठीक है, इतना पॉइंट टू पॉइंट कोई आपको नहीं सिखाएगा। ठीक है, आप ठीक से देखो, ठीक से सीखो, बार बार देखो, फिर अप्लाई करो। ठीक है, मैं खोल लिया। ठीक है, अब ये डीसी ब्लेड को खोलूंगा। खुल गया है। अब ये डीसी ब्लेड को क्लीन करके यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा ये डीसी ब्लेड पुराना हो चुका है। ठीक है, मैं अब इस डीसी ब्लेड को चेंज करूंगा। ठीक है, मेरा पहले से ये डीसी ब्लेड भी लगभग 82,000 कॉपी दे चुका है। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करूंगा। ठीक है, मेरे पास एक नया डीसी ब्लेड है। ठीक है, मैं इसको अब इस्तेमाल करूंगा। देखो, एकदम नया डीसी ब्लेड, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं इस ड्राम यूनिट को अच्छे तरह से क्लीन करूंगा। ठीक है, तो डीसी ब्लेड को मैं हटा लिया। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे और एक पार्ट रहता है, इसको भी हमें क्लीन करना पड़ेगा कॉपी क्लीन रहने के लिए। देखो, आप कोई भी ऐसे चिमटा को लेके इसको ठीक से देखो, इस पोर्शन को खींचो, थोड़ा सा खींचो। यहाँ भी एक पार्ट होता है, थोड़ा सा खींचो, थोड़ा सा खींचो, हो गया है। ठीक है, निकल गया है। देखो, इसको भी अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक से आप क्लीन कर लेना, मैं वीडियो में पूरा नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितना भी टोनर है, वेस्ट टोनर है, इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है, बहुत ही सिंपल, इसको पलट देना। ठीक है, मैं एक हाथ से दिखा रहा हूँ, आप दो हाथ से अच्छी तरह से करना। ठीक है, देखो कितना वेस्ट टोनर निकला है। ठीक है, ठीक है, अब मैं इस पार्ट को और इस पार्ट को क्लीन करूंगा। ठीक है, मैं लगभग सारे पार्ट्स को क्लीन कर चुका हूं। ठीक है, अब इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं एक हाथ से दिखा रहा हूँ, आप ठीक से देखना। सबसे पहले मैं इस ब्लेड को ये चैनल में घुसा देने से ये सेट हो जाता है। ठीक है, देखना ये जो इसका ये यहाँ पे सेट हो जाएगा इस होल में इधर। ठीक है, ये सेट हो गया है, ये सेट हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें डीसी ब्लेड को सेट करना पड़ेगा। मैं नया डीसी ब्लेड ले लिया है, मैंने आपको दिखाया था इस डीसी ब्लेड। ठीक है, इस डीसी ब्लेड को मैं लगाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर इसमें थोड़ा सा दे दूंगा ये डीसी ब्लेड अच्छे रहने के लिए। ठीक है, तो दिखा रहा हूँ, देखो
यहाँ पे। थोड़ा सा इसका जो रबड़ का पोर्शन रहता है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रब कर दो, इससे क्या होता है डीसी ब्लेड अच्छा रहेगा, मूव करेगा, ठीक है। हो गया है, अब डीसी ब्लेड को ठीक से देखो, यहाँ पे जो होल रहता है डीसी ब्लेड का देखो, और यहाँ पे भी होल रहता है, चैनल रहता है, वहाँ पे जस्ट इसको घुसा देना, उसके बाद स्क्रू लगाना, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, देखो देखो यहाँ पे सेट हो गया है, ये देखो ये चैनल पे घुस गया है, देखो इस चैनल पे घुस गया है, इधर भी देखो ये चैनल में घुस गया है, ये घुस गया है, ठीक है। अब हमें स्क्रू से इसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वो भी दिखाता हूँ, मैं एक हाथ से दिखा रहा हूँ, अब ठीक से देखना, हो गया है डीसी ब्लेड लगाना हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा, ड्राम को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं एक हाथ से ही कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए, इस जो चैनल रहता है, ठीक है, इसमें इस पार्ट को घुसा दो, मैं एक हाथ से कोशिश करता हूँ, हाँ घुस गया है, घुस गया है। अब ये जो पार्ट्स है रॉड है, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग को डाल दो, ठीक है, स्प्रिंग हो गया है। अब यहाँ से इसको अंदर घुसाओ, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, घुस गया है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, ठीक से देखो, यहाँ का जो पोर्शन है देखो, इसको यहाँ का एक पोर्शन, ये जो एंड वाला पोर्शन यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ ज़रूरत है, वरना लॉक नहीं होगा, ठीक है। रॉड को घुमाना पड़ेगा ऐसे, देखो मेरा ये वॉशर निकल गया है, इस वॉशर को तुम्हें यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा, हाँ हो गया है लॉक, ठीक है।
ठीक से देखो, ये पार्ट घुस गया है। ठीक है, मैंने आपको जो दिखाने की कोशिश किया, देखो ये जो ड्रम का, ये जो रॉड का पोर्शन है, यहाँ पे आना ज़रूरी है, वरना ये लॉक नहीं लगेगा। ठीक है, आप इस लॉक को, इस चैनल में लॉक हो गया है। ठीक है, आप क्या करना पड़ेगा, हमें जो जो चार्जिंग रोलर को हमने खोला था उसको सेट करना पड़ेगा, वो भी बहुत इजी। देखो यहाँ का जो पार्ट है और यहाँ पे भी होल है, ठीक से देखना, इस होल में इसको घुसा दो। ठीक है, इस पार्ट को इसमें घुसा दो, घुस गया है। अब इस पोर्शन को यहाँ पे, एक यहाँ पे भी चैनल है, इस चैनल में इसको घुसा दो, बस हो गया है। ये हमारा ड्रम यूनिट का टोटल क्लीन होके सेट हो गया है। ठीक है, और नए डीसी ब्लेड को चेंज कर भी करके भी आपको दिखाया। ठीक है, अब इसको मशीन पे सेट करना पड़ेगा, तो चलो दिखाते हैं मशीन पे कैसे सेट करूँगा। चलो पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसे इसको लो। ठीक है, ऐसे इस पार्ट को ऐसे लो, अब इस चैनल पे इसको घुसा दो, यहाँ पे एक चैनल रहता है, इसको घुसा दो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पे एक फीमेल प्लग है। ठीक है, वो इस मेल पार्ट पे फिक्स हो जाएगा। अब स्क्रू से उसको लगाना पड़ेगा, हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा, इस साइड ट्रे को लॉक कर दो और इस जीप को अंदर घुसा दो, हो गया है। वेस्ट टोनर बॉक्स को यहाँ पे फिक्स कर दो, इसको। ठीक है, तो ये है 100% मैं पॉइंट टू पॉइंट हर कोई भी पार्ट को स्किप नहीं किया। ठीक है, ये है टोटल ड्रम यूनिट क्लीन और डीसी ब्लेड चेंज। ठीक है, अब आपका कॉपी आएगा ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। तो दोस्त, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है वो लाइक और आपका कमेंट में ज़रूर ये फीडबैक देना, और आपका ये वीडियो काम का लगे और बेस्ट लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक्निकल वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय, शब्बा खैर, सस रहो, मस्त रहो।